चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और वो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और उन सभी केसेस में जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है, हमें ये सब कुछ करना है अभी। इज दैट क्लियर ऑर नॉट? तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के मीनिंग से, और उसके बाद हम इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे एक एक करके। इज दैट क्लियर ऑर नॉट? तो दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट तो समझ में आ रहा है सबको, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्काउंट दो तरीके का है। एक है मेरे भाई ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी, ट्रेड यानी ट्रेड करते वक्त, बिजनेस करते वक्त, ठीक है कि नहीं? और दूसरा है हमारे यहां पर कैश डिस्काउंट। दूसरे का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। तो कैश का मतलब क्या है? कैश लेते या देते वक्त जो डिस्काउंट लिया या दिया जाए, ऐसा क्या? आइए समझे। तो भाई, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? सेल या परचेज करते वक्त। सेल या परचेज करते वक्त, सेल करते वक्त जो डिस्काउंट दिया जाए वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड में तो परचेज सेल, एक व्यक्ति सेल करेगा दूसरा परचेज करेगा, और परचेज करते वक्त जो डिस्काउंट मिलता है ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड करते वक्त, यानी ट्रेड का मीनिंग ही क्या है कि मैं कुछ सामान खरीदता हूं या बेचता हूं, तो जो डिस्काउंट सामान खरीदते या बेचते वक्त लिया या दिया जाए, हम उसे क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। आइए लिखें इसके बारे में। डिस्काउंट विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स इज ट्रेड डिस्काउंट। अब यानी कि सेल करते वक्त 10 रुपए की चीज मैंने 9 रुपए में बेच दी, तो दोस्तों यही क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया 1 रुपए का। ध्यान रखिए, नो जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, इस बात को समझ कर रखिएगा। और इसका पर्पस क्या है? बल्क सेल, टू सेल और परचेज इन बल्क, यानी ज्यादा सामान परचेज करते वक्त हम हमेशा क्या चाहेंगे कि भैया हमें कुछ ना कुछ और ज्यादा डिस्काउंट मिले, और उसी कारण से ज्यादा सेल करने के पर्पस से सेलर क्या करता है कि वो ज्यादा इकट्ठी चीजें बिक जाएंगी, इकट्ठा पैसा आ जाएगा एक बार में, तो चलो जी कोई बात नहीं, जब इकट्ठी सेल हो रही है तो थोड़ा प्राइस कम ले लिया जाए। यानी डिस्काउंट जो कि ट्रेड करते वक्त लिया दिया जाए, बल्क परचेज या बल्क सेल का जिसका पर्पस हो, बल्क यानी इकट्ठी गुड्स ज्यादा से ज्यादा, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। कोई जर्नल एंट्री दोस्तों इसकी पास नहीं होती। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है? आइए देखें। डिस्काउंट विच इज गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग
और मेकिंग पेमेंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. तो भैया जो डिस्काउंट पैसा देते या लेते वक्त दिया या लिया जाए ये क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट. यानी इसके लिए तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगी, सेल की एंट्री पास होगी, डिस्काउंट की पास नहीं होगी. इसको आसान शब्दों में आपके लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है जी. रिकॉर्डिंग कहां करते हो? जर्नल में. जर्नल में क्या होता है? जर्नल एंट्री पास होती है. इसीलिए मैंने लिखा था नो जर्नल एंट्री विल बी पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट. लेकिन फॉर दिस कैश डिस्काउंट सीडी, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब भैया इसके पीछे रीजन क्या है? सवाल तो ये भी आता है कि ये बताओ जी, बताओ ट्रेड डिस्काउंट को हमने क्यों रिकॉर्ड नहीं करना और इसे रिकॉर्ड क्यों करना है? इसका रीजन भी हम जानेंगे जब मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, उसमें इसके रीजन के बारे में भी बताऊंगा आपको. राइट. और इसका पर्पस क्या होता है? टू रियलाइज क्विक पेमेंट यानी मेरा पैसा जल्दी मिल जाए, इस कारण से क्या किया जाता है? यह डिस्काउंट लिया या दिया जाता है. तो यहां पर पर्पस ये रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता, और इधर डिस्काउंट का मीनिंग. तो मैंने यहां पर ट्रेड का मीनिंग लिखा था, सेल परचेज, उसे याद देता हूं कि ट्रेड का मतलब सेल या परचेज है. ठीक है. लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये है मीनिंग डेफिनेशन. तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया? मीनिंग डेफिनेशन बता दिया, रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता ये बता दिया, उसका पर्पस क्या है ये बता दिया. तो देखा जाए तो आपके ये तीन डिफरेंशिएशन भी बन गए, मीनिंग, वेदर इट इज रिकॉर्डेड और नॉट, और व्हाट इज द पर्पस. ये है दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस एज वेल एज मीनिंग. रीजन मैंने आपके लिए रख छोड़ा है कि इसके रीजन कब बताऊंगा? जब जर्नल एंट्रीज कराऊंगा. राइट. नोट कर लीजिएगा इसे और फिर चलेंगे हम अपने अगले पॉइंट पर. इनकी जर्नल एंट्रीज को करेंगे. तो ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज सीखने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट की. ट्रेड डिस्काउंट तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या कहा? परचेज या सेल करते वक्त लिया या दिया जाता है. इसका पर्पस क्या होता है? कि भाई ज्यादा माल बिक जाए और अगर मुझे ज्यादा सामान चाहिए तो मैं सेलर से डिमांड करता हूं, भैया मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, ये रेट तो आपने रिटेल का दिया है, मुझे बल्क का रेट दीजिए. तो ट्रेड डिस्काउंट में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी दोस्तों, आइए देख लिया जाए. अब ट्रेड डिस्काउंट, मैं चाहे कैश से पेमेंट कर दूं या चेक से पेमेंट कर दूं, दोनों ही केसेस में मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है क्योंकि बल्क में खरीद रहा हूं. उसी तरीके से अगर मैं क्रेडिट पर भी खरीदूं तो भी मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है, उधार पर भी खरीदने पर. बस मौका क्या है सेलर के पास कि ज्यादा से ज्यादा बिक जाएगा. तो भाई क्रेडिट पर भी अगर मैं बेचता हूं, चाहे उसमें या तो पर्सन का नाम लिखा होगा हमेशा की तरह जो एंट्रीज हम सीखते हैं, या पर्सन का नाम नहीं लिखा होगा, इन सभी केसेस में मेरे भाई ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री सीखेंगे. ठीक है जी. तो भैया
परचेज और सेल की बात कर ली जाए तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स तो क्या एंट्रीज पास करेंगे दोस्तों, कैसे एंट्रीज पास करेंगे आप? और अगर सेल कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो किस तरह की जनरल एंट्रीज आपके सामने आ सकती हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे। तो क्वेश्चन आया पहला, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो दोस्तों हमने परचेज की है गुड्स, ठीक है जी, कैश पे परचेज की है, 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू थी, 10% मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो दोस्तों एक बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जब भी कोई सेलर या आप ही हो, मान लीजिए आप कोई सामान बेचना चाहते हैं, जब आप उस सामान को बेचना चाहेंगे तो यह जाहिर सी बात है कि भाई आपने उसे किसी ना किसी से खरीदा भी होगा या बनाया होगा, यानी आपकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। बोलिए ऐसा है या नहीं? यस। मान लीजिए मानकर आपने 10 रुपए का खरीदा या बनाया, यानी नेट आपकी जो कॉस्ट आई है वो इसकी 10 रुपए की आई है, और आपने इसका मार्केट में प्राइस रखा, जी मैं तो 15 रुपए का एक मार्कर बेचता हूं, यानी सेलिंग प्राइस आपने 15 रुपए रखा हुआ है। अब मान लीजिए कोई कहता है जी मुझे ना 1,000 पेन चाहिए, 1,000 मार्कर चाहिए। अब आप कहोगे ठीक है जी कोई बात नहीं, हम आपको ये मार्कर 13 रुपए पर मार्कर बेचेंगे अगर आप 1,000 मार्कर से इकट्ठे लेंगे तो इसका मतलब आपने अपना प्राइस, मार्कर का प्राइस घटा दिया, बल्क में बिक रहा है भाई। लेकिन जरा एक बात बताइए कि क्या आप इसमें अभी प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं? यस। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो भैया आप डील क्यों करोगे? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जहां पर ऐसी पोजिशन आ जाए कि आपने अपना सेलिंग प्राइस घटा दिया, ये तो भैया सेलर की मर्जी है, ये तो सेलर की मर्जी है ना। वो क्या करेगा कि मेरी सेल 15 रुपए पर मार्कर ना होकर के 13 रुपए हुई, उसने आज तक क्या अकाउंट्स में सेल की क्या पहले से कोई एंट्री डाल रखी है कि जी मैं तो 15 रुपए पर मार्कर पर बेच दिया? नो, उसको तो बस ये मालूम है कि ये मेरा मार्कर 10 रुपए का मेरा खरीदा हुआ मार्कर है, मुझे इसे कुछ भी ज्यादा प्राइस करके बेचना है ताकि कुछ प्रॉफिट बचे। तो ऐसी पोजिशन में जितने रुपए की सेल होगी वो व्यक्ति डायरेक्टली उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा, सेल को भी उसी अमाउंट में रिकॉर्ड करेगा, और हम एज अ परचेजर हम तो उतने ही अमाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं जितने रुपए हम उसे देकर आएंगे। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो अगर ये सामान मुझे 10,000 रुपए वाला 10% डिस्काउंट पर मिल गया और 9,000 रुपए अल्टीमेटली मुझे पे करने पड़े, तो मुझे तो सिर्फ क्या कहना है कि भैया मैं 9,000 रुपए का सामान खरीद कर लाया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो क्योंकि गुड्स परचेज हुई है, परचेज अकाउंट तो डेबिट होना ही है मेरे दोस्तों। बोलिए हाँ ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपए की चीज है माइनस 10% ऑफ 10,000 यानी 1,000 रुपए माइनस करके 9,000 रुपए का आपने सामान खरीद लिया, आपने नेट एंट्री दिखाई परचेज की। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अच्छा मान लो सेलर के हिसाब से एंट्री करें, वो कहता है जी मैंने गुड्स बेची, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने ये नहीं बोला सर जी आपको कैसे पता लगा जी इन दोनों ही केसेस में ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट भी तो हो सकता था। तो मेरे भाई याद कर लो, मैंने पहले ही बता दिया था
कि ट्रेड डिस्काउंट गुड्स को खरीदते या बेचते वक्त लिया या दिया जाता है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? क्योंकि यह गुड्स की सेल हो रही है, परचेज हो रही है, उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, और उसकी जनरल एंट्री क्यों नहीं होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। लाइकवाइज सेलर क्या करेगा कि जी मैं तो सामान बेच रहा हूं, मेरे पास तो कैश आ रहा है, जितना कैश आएगा मेरी उतने की सेल हो गई। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? ऑन टू सेल्स अकाउंट, मैंने 10,000 रुपए की चीज को 10% डिस्काउंट पे माइनस करके बेच दिया 9,000 रुपए में, तो जितने रुपए की उसकी सेल हुई उसने उसी अमाउंट को दोस्तों रिकॉर्ड कर लिया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री समझ आ गई आपको, ये परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गई। अब सवाल यह आता है कि यही जर्नल एंट्री, यही तो कैश के हिसाब से थी, या चेक से पैसा आता तो बैंक अकाउंट लिख देते, ये उधार पर भी तो हो सकता था, बोलिए हाँ ना। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राजा फॉर रुपीज 20,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो परचेज की है राजा से, कैश तो लिखा नहीं, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और अगर कैश नहीं लिखा और सप्लायर का नाम लिखा है तो जरूर ये उधार पर ही खरीदी गई है गुड्स, ठीक बात है कि नहीं? और परचेज कर रहे हैं तो भैया परचेज करते वक्त गुड्स आती हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा, क्योंकि मैंने कैश नहीं दिया, पैसा देना बाकी है, राजा मेरा क्रेडिटर है, उसका नाम गिवन है, तो टू राजा, राजाज अकाउंट भी लिख सकते हैं आप इसे, राजा की तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन कितनी लायबिलिटी? 20,000 रुपए की गुड्स को मैंने 20% डिस्काउंट पे परचेज किया, 4,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी नेट 16,000 रुपए से जनरल एंट्री पास कर दे गया। उसी तरीके से जो सेलर है वो क्या कहेगा, सेलर ने अगर जनरल एंट्री पास की गुड्स Sold to Manish for rupees 20,000 at a discount of 20%। तो उसके लिए भी क्या है कि नेट सेल हो रही है, कैश तो आया नहीं, पैसा लेना बाकी है, किससे लेना है, मनीष से, मनीष को कर दिया डेबिट, सेल्स हो गई, सेल्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, और 20,000 का 20% डिस्काउंट दिया है 4,000 रुपए, यानी 16,000 रुपए की नेट सेल्स कर दी। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। तो गुड सोल्ड टू मनीष फॉर रुपीज 20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 20%, ये भी सेल के वक्त दिया गया इसीलिए ये ट्रेड डिस्काउंट है। यहां पर इस व्यक्ति ने परचेज किया तो परचेज अकाउंट है, ठीक बात है नहीं? दोनों ही जगह ट्रेड डिस्काउंट शामिल है। अब जर्नल एंट्री ये भी आ सकती थी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब भैया यहां ये तो लिखा नहीं कि आपने किस व्यक्ति से परचेज किया, तो जनरल अकाउंट जो खोल देंगे वो कौन सा है, क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक बात है कि नहीं? क्या एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार पर खरीदा लेकिन डिस्काउंट मिल गया, बल्क में परचेज किया था हमने, तो भाई 90,000 रुपीज नेट हमने परचेज दिखा दी। उसी तरीके से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उसने क्या लिखा होगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कि मैंने गुड्स उधार पर बेची रुपीज 1,00,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक बात है कि नहीं? और ऐसी पोजीशन में उसके लिए सेल्स है, पैसा तो उसके पास आया नहीं, तो जिस व्यक्ति से उसने लेना है उसका नाम भी नहीं लिखा, तो वो डेबिट किसे करेगा, डेटर्स अकाउंट को, क्योंकि जिन्हें हम गुड्स उधार पर बेचते हैं उनसे पैसा लेना होता है, लेना होता है तो उनको डेबिट किया जाता है, वो डेटर कहलाते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। तो दोस्तों यहां पर हमने 90,000 से जर्नल एंट्री पास कर दी। ये है हमारी सारी कहानी ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, रीजन मैंने उसका बता दिया, क्योंकि आप पहली बार उन गुड्स को बेच रहे हैं। जितना रुपया आपके पास आएगा आप उसी को उस अमाउंट की सेल्स मानेंगे, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट का हिस्सा खत्म होता है, आप इसे नोट करिए। फिर हम शुरू करते हैं अपना अगला हिस्सा जो कि कैश डिस्काउंट का होगा। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चला जाइए आगे। कैश डिस्काउंट की बारी आ गई भैया, और कैश डिस्काउंट को हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन जरा दोबारा से एक बार रिवाइज कर ली जाए। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि अपनी पेमेंट्स को, जो हमने पैसा किसी से लेना है उसको जल्द से जल्द रियलाइज करवा दें, उसके लिए जो डिस्काउंट लिया या दिया जाए वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। आइए जरा इसका एग्जाम्पल देख लें। कैश डिस्काउंट का पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी जर्नल एंट्रीज को शुरू करेंगे। कैश डिस्काउंट देखिए, मान लीजिए एक सेलर है, इस सेलर ने क्रेडिट पर गुड्स बेची ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, 3 मंथ्स का क्रेडिट दिया और 1,00,000 रुपए की गुड्स बेची।